संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? पढ़िए तात्पर्य। हिंदी में कौन पढ़ेगा? पढ़िए। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अशोक ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द का महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह तो नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। दुखते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। होगी अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा के करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। अर्थात यह वृथा है कि शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में विशेष महत्वपूर्ण बात बताई गई है। हमने इस श्लोक का इस अध्याय का नाम पूर्व में देखा
इसका लेवल सुनिए। इसका जो नाम था वो नाम क्या था, जो दूसरा अध्याय दो लास्ट सेशन में हमने नाम के ऊपर ही चर्चा किया था इसके, है ना। इसका नाम था गीता का सार, या कई बार इसको सांख्य योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य योग। सांख्य योग का क्या अर्थ है भाई? हमने ध्यान योग सुना, ज्ञान योग सुना, कर्म योग सुना, है ना, ऐसे बहुत सारे योग सुने, सांख्य योग कभी सुना नहीं। ये कौन से योगा का प्रकार है ना? सो ना, ये जो योगा का प्रकार है वो योगा नहीं है, वो एक प्रकार का योग है। और इसमें सांख्य अर्थात सांख्य शब्द कौन से शब्द से आया है? सांख्य शब्द संख्या से आया है। किससे आया है? संख्या से। सो संख्या का योग। अब संख्या का योग कैसे, तो बताया गया है इसमें कि इस अध्याय में जो विश्लेषण है वो विश्लेषण दो विषयों के प्रकार, दो विषयों के का है। कौन से दो विषय है? एक है भौतिक प्रकृति और एक है आध्यात्मिक प्रकृति। दो प्रकृति है ना, एक है मटेरियल वर्ल्ड और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति, दो प्रकृति का इसमें विश्लेषण है। तो जो भौतिक प्रकृति है वो भौतिक प्रकृति के बहुत सारे डायमेंशंस है। क्या क्या है भाई? हमारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन मात्रा, प्रकृति के गुण वगैरह वगैरह, ऐसे इतने सारे जो संख्या में है, पंचमहाभूत है ना। तो ये ऐसे लगभग 25 एलिमेंट है, 25 घटक है। तो ये 25 की संख्या हो गई ना, एक 25 25 की संख्या हो गई। तो ये हो गया भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड, और दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इन दोनों का विश्लेषण, मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विश्लेषण करके मटेरियल वर्ल्ड अर्थात भौतिक प्रकृति कैसे आध्यात्मिक प्रकृति से कनेक्टेड है, भौतिक शरीर का आध्यात्मिक शरीर से क्या संबंध है। पहले तो भौतिक शरीर क्या है, आध्यात्मिक शरीर क्या है, और आध्यात्मिक शरीर का भौतिक शरीर से क्या संबंध है, किस प्रकार से भौतिक शरीर आत्म आध्यात्मिक शरीर पे निर्भर है, इसकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। और इसलिए इसको गीता का सार कहा गया, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाते हैं। लगभग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के बाद लगभग सारे श्लोक कृष्ण बोलते हैं इस अध्याय में। पहले अध्याय में हमने क्या किया, हमने क्या देखा, सारे श्लोक अर्जुन ने बोले, कुछ एकाध श्लोक कृष्ण ने बोला है। अब यह अध्याय में क्या होगा, कुछ 10-11 श्लोक अर्जुन के हैं, बाकी लगभग सारे ही श्लोक कृष्ण के हैं। सो अब कृष्ण बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे संजय बोल रहे हैं। इस दूसरे अध्याय का जो शुरुआत का श्लोक है वो श्लोक संजय शुरुआत कर रहे हैं। संजय किसके साथ चर्चा कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के साथ। वो क्या कर रहे हैं? रनिंग कमेंट्री बता रहे हैं। वहां पे जो आपको देखा हाल है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। तो वहां पे जो जो हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी भी हमने पूर्व में चर्चा की है। संजय, संजय अर्थात विशेष प्रकार का विजय, जय अर्थात विजय, परंतु संजय अर्थात स्पेशल विजय, स्पेशल विक्ट्री। उस व्यक्ति ने विशेष प्रकार का विजय प्राप्त किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति। कौन सा विशेष विजय? लाइव दिखाना। और उस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए, अर्थात उसका माइंड उसके कंट्रोल में है, उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों और अपने मन पे विजय पा लिया है उस व्यक्ति को संजय कहते हैं। किसका नाम संजय है अपने इधर? तो संजय अर्थात कौन? जिसने अपने मन पे और इंद्रियों पे विजय पाया है, अर्थात कंट्रोल रखा हुआ है, कंट्रोल्ड पर्सन एकदम, उसको कहते हैं संजय। तो संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा,
संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द बोले। अब अर्जुन की अवस्था क्या है हमने पहले अध्याय में ही देख लिया है। पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में तो पूरी अवस्था हमको पता हो गई है। अब ये जो पहला श्लोक है 2.1 से 2.10, ये जो 10 श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इन श्लोकों को हम अपने रोज के जीवन में 100% अप्लाई कर सकते हैं। 100% जो व्यक्ति इन श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करेगा उसका विजय निश्चित है, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है, उसका जीवन यशस्वी निश्चित है पक्का। सो ये श्लोक बड़े ध्यान से केवल श्रवण ही नहीं करना है, उसको मैक्सिमम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। सो हम देखते हैं अर्जुन का दशा। इसमें कहा गया तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण, अश्रु आंखों में है और पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो हम प्राय संसार में देखते हैं, भौतिक जगत में हमने कई बार देखा है कि जब व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं बचता है, अब कोई आश्रय ही नहीं है भाई, कोई शेल्टर ही नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा है, सारे संसार के सारी बातें करके थक चुके हैं, कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, तब उस वक्त व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्मिकता की ओर अग्रेसर होता है, स्पिरिचुअलिटी को अपना आश्रय बनाता है, आध्यात्मिकता की ओर अपनी दृष्टि मोड़ लेता है, आध्यात्मिकता का स्वीकार करने का प्रयास शुरू करता है। कब करता है शुरू? जब होपलेस हो जाता है, सारे आश्रय खत्म हो जाते हैं, उसको लगता है अब भौतिक संसार में मेरा कोई है नहीं, सब फालतू झूठा पसारा है, ऐसा बोलता है, ऐसे अनुभव आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। इस प्रकार के एक्सपीरियंस जब आते हैं तो व्यक्ति फिर भगवान की पूजा करता है, उपवास रखता है, मंदिरों में जाता है उससे भी आगे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, उससे आगे क्या करता है वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मुड़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त केवल प्राप्त नहीं करता है तो क्या करता है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। सो अब ये जो दूसरे अध्याय का जो शुरुआत है कुछ श्लोक, लगभग वो पहला अध्याय ही कंटिन्यू है। पहले अध्याय में हमने क्या देखा, अर्जुन थक गए, बैठ गए, पसीने हो गए, मुंह सूख गया, शरीर कांप रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा छा गया, ये सब हुआ है। वही बातें अभी भी दूसरे अध्याय में भी कंटिन्यू हो रही है। तो आगे कुछ और श्लोक तक लगभग हमको ऐसे लगेगा कि क्या पहला ही अध्याय कंटिन्यू है। सो पहला ही अध्याय यहां तक कंटिन्यू है क्योंकि अब अर्जुन थके हुए हैं और अपने रथ पे अपने हाथ में जो धनुष था वो धनुष अर्जुन के हाथ का छूट गया है और अर्जुन अब बैठ गए। अर्जुन की ऐसी दशा हो गई पहले अध्याय में। पहले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय बता रहे कि अश्रु पूर्ण, थोड़े बहुत अश्रु उनके आंख में आ रहे, थोड़े बहुत अश्रु आ रहे। फिर कृष्ण क्या कर रहे हैं, बच्चों का आवाज करने, कृष्ण क्या कर रहे हैं इसे वक्त, क्या कर रहे होंगे कृष्ण। अर्जुन की सारी दशा हमने देखी है, अब अर्जुन का बाण छूट गया है और अर्जुन बैठ गए, अब कृष्ण क्या कर रहे होंगे। आपका कोई मित्र है समझो, बहुत फ्रस्ट हो गया, बहुत फ्रस्ट हो गया और आपको सब बता दिया, फ्रस्ट्रेशन, आंख में आंसू आ गए और घबरा के वो बैठ गया नीचे, अब आप क्या करेंगे। समझाने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन की कमी है। तो कृष्ण क्या कर रहे, कृष्ण तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस सुन रहे, कृष्ण कुछ नहीं कर रहे, जस्ट सुन रहे, नथिंग डूइंग। तो कुछ नहीं कर रहे का अर्थ क्या है, कृष्ण जब कुछ नहीं करते हैं तो वो किसी बात की प्रतीक्षा करते हैं, कृष्ण कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, कुछ कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं,
बस सुन रहे हैं, बैठे हैं, कृष्ण भी खड़े हैं, वो बैठे हैं और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण की अर्जुन कुछ उनको पूछे। जब तक अर्जुन कुछ पूछेगा नहीं तब तक कृष्ण कुछ बोलेंगे नहीं। और अर्जुन कुछ पूछ नहीं रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है पता है आपको? केवल बता रहा है। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। जब तक हम बताते रहेंगे ना, समझो हमारे वरिष्ठ है, गुरु है, उच्च कोटि के वरिष्ठ लोग है, भगवान है, इनको यदि हम जब तक बताते रहेंगे ना तो वो सुनते रहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बता रहे। आप बता रहे तो उसको सुनते रहेंगे, है ना। बट आप पूछोगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं फ्रस्ट हो गया हूं, अब आप बताइए। जब हम पूछेंगे, जब पूछने के बाद तब वो उत्तर देंगे। तो कृष्ण अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन कुछ मुझे पूछे। कुछ कुछ नहीं रहे अर्जुन, सब बीस अपने अंदर की बातें बताते जा रहे, बताते जा रहे, बताते जा रहे। सो ऐसे तो हमने 1.25 में देखा था, पहले अध्याय के 25वें श्लोक में, जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला युद्ध स्थली में जाने के पहले, हे कृष्ण मेरा रथ ले चलो, क्योंकि कृष्ण सारथी है, मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूं किसकी हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, कौन ऐसा है मेरे से युद्ध करना चाहता है, जरा मेरा रथ ले चलो, आप मेरे ड्राइवर हो, चलो मेरा रथ लेकर मैं देखना चाहता हूं। जब ऐसा बोला अर्जुन ने, तब कृष्ण एज ए सर्वेंट, एज ए सेवक, एज ए सारथी, एज ए ड्राइवर, वो रथ लेके गए और दोनों सेना के बीच में जब रथ खड़ा किया, तब कृष्ण ने बोला था 1.25। 1.25 में कृष्ण ने कहा था, भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वेषां च महीक्षितम्। और फिर उवाच पार्थ पश्चेतान कुरु नीति। सो भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, अब आप देखो, भीष्म द्रोण प्रमुख था, देखो कौरव की सेना, देखो अर्जुन, हे पार्थ, भीष्म और द्रोण की प्रमुखता में, अर्थात भीष्म और द्रोण की लीडरशिप में, ये पूरी कौरव सेना आपके सामने खड़े है, बड़े महान महान योद्धा है, इनको देखो। फिर क्या कहते हैं? पश्चेतान, पश्चेतान था, देखो, क्या देखो? कुरु नीति, कौरवों की नीति देखो, इन कौरवों की नीति के अनुसार भीष्म और द्रोण तो इनके प्रमुख है, कमांडर इन चीफ, ये इनके प्रमुख सेनापति है, ये देखो आप। इतना ही बोले थे कृष्ण, हाँ, पश्चेताम कुरु नीति, ये पार्थ कुरु की नीति देखो आप, इनसे आपको लड़ना है, भीष्म और द्रोण से लड़ना है, साधारण सैनिक से नहीं लड़ना है आपको, आपको इनसे लड़ना है, इस प्रकार से बताया गया था। तो इस श्लोक में विषय आया है, विशेष शब्द आया है, कृपया विष्टम, तम तथा कृपया विष्टम। विष्टम का अर्थ होता है आवेशित होना, आवेशित हो जाना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कई बार, जैसे इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, तो इलेक्ट्रिक वायर को हम इलेक्ट्रिक वायर नहीं कहते प्राय, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक, वो जो इलेक्ट्रिक वायर है वो करंट से आवेशित रहती है ना, वो क्या रहती है? करंट से आवेशित रहती है। तो हम प्राय उसको वायर, इलेक्ट्रिक वायर इतना बड़ा शब्द नहीं बोलते हुए हम करंट बोल देते हैं उसको, अरे वो करंट है, अरे वो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से वो वायर पूरी तरह से आवेशित है, विष्टम आवेशित है। ऐसे ही जब कोई संसार के प्राणियों के प्रति करुणा या कृपा का भाव रखता है, या करुणा और कृपा से आवेशित होता है, तो उस व्यक्ति को करुणा मूर्ति कहते हैं या कृपा मूर्ति कहते हैं। जैसे उस वायर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्योंकि वो वायर करंट से, इलेक्ट्रिक से आवेशित है, वैसे ही कोई व्यक्ति जब करुणा के, करुणा से आवेशित रहता है, दूसरों के प्रति उसके हृदय में बहुत करुणा रहती है, बहुत दया भाव रहता है, बहुत कृपा भाव रहता है,
उस दया भाव, कृपा भाव, करुणा भाव से वो व्यक्ति आवेशित रहता है, तो फिर ऐसे करुणा आवेशित व्यक्ति को कृपाभिष्टम, कृपाभिष्टम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, करुणा मूर्ति या कृपा मूर्ति, वो साक्षात करुणा की मूर्ति है। हाँ, क्या है वो मूर्ति है, किसकी, करुणा की मूर्ति, साक्षात मूर्ति है वो, पर्सनालिटी है एकदम किसकी, जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति हम प्रभुपाद जी को कहते हैं, कृष्ण कृपा की साक्षात मूर्ति अर्थात प्रभुपाद जी, वैसे ही करुणा मूर्ति अर्थात जो संसार में जीवों के ऊपर करुणा दिखाता है, जीव दया जिसके हृदय में, जिसकी चेतना में ओत प्रोत है, ऐसा व्यक्ति अर्थात करुणा मूर्ति। तो अर्जुन की भी बहुत करुणा है, अर्जुन बड़ा हृदय में करुणा रखते हैं, क्योंकि सात्विक व्यक्ति का ये भाव होता है कि वो किसी के प्रति हिंसा नहीं करता है, किसी को मारने का भाव नहीं रखता है, सो अर्जुन सात्विक स्तर पे है, तो इसलिए अर्जुन के हृदय में उन सभी आतंकवादियों के प्रति करुणा भाव है, क्योंकि वो उनके नाते रिलेटिव है, रिश्ते में आते हैं, कौन है करुणा, कौन है कौरव, कौरव के प्रति अर्जुन के हृदय में क्या आ गई है, करुणा आ गई है। और ये करुणा आ गई ये बात कौन बोल रहा है, किसको, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा था ना कि भाई उधर क्या धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो सारे कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उसमें मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडव क्या कर रहे हैं, ऐसा पहला ही प्रश्न था ना, तो वो प्रश्न का उत्तर देते हुए इसमें संजय बता रहे कि अभी अर्जुन तो करुणा से अभिभूत हो गए, अर्जुन के हृदय में बहुत ही करुण भाव जागृत हुआ है, वो बैठ गए हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ गए, ऐसे संजय रनिंग कमेंट्री धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन को जो करुणा उत्पन्न हुई है उनके मन में कौरवों के प्रति, क्या वो करुणा योग्य है, उस देख रहे, अरे ये तो मेरे गुरुदेव है, द्रोणाचार्य उनके गुरु है, भीष्माचार्य उनके परम पितामह है, उनको तो वो दिख रहे हैं, उनके प्रति करुणा आ रही है, तो क्या ये करुणा ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि हम यदि देखें इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, डूबते जा रहा है, तो व्यक्ति जब डूब रहा होता है तो हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे कि उसके वस्त्रों को बचाने का प्रयास करेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा महंगा ड्रेस पहना हुआ है, अरे ये 25,000 का ड्रेस पहना हुआ है, डूब रहा है, चलो उसका ड्रेस को बचा लेते हैं, कि उस व्यक्ति को बचाते हैं, किसको बचाते हैं, व्यक्ति को बचाते हैं ना, व्यक्ति को बचाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जो शरीर है ना, ये हमारा ड्रेस है, शरीर क्या है, ड्रेस है, और हम कौन है, आत्मा है। अब ये शरीर से भले कितने भी अधर्म हो रहे हो, अर्जुन सोच रहे हैं, परंतु ये लोग मेरे ही है ना, भले शरीर से इन्होंने अनेक अपराध या अधर्म किए हैं, लेकिन है तो मेरे ही अपने लोग हैं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, इनके शरीरों को मैं बचाता हूं, अर्थात मैं इनके वस्त्रों को बचाता हूं, ऐसा भाव अर्जुन का हो रहा है। सो यहां पे इस अध्याय का नाम गीता का सार, अर्थात इसमें पूरा ज्ञान दिया गया है, इसमें ये ज्ञान दिया गया है कि किसको बचाना है, कब बचाना है, क्यों बचाना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, हम कौन है, है ना। सो इसकी पूरी चर्चा इस श्लोक, इस अध्याय में आती है। तो अर्जुन के मन में जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो गया है, तो हमने ये देखना चाहिए कि वही द्रोण और वही भीष्माचार्य जो अर्जुन के तातश्री है, अर्जुन के गुरुदेव है, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तो बंधे हुए हैं, चाहे धर्म का कितना भी नुकसान होने दो, चाहे धर्म पूरी तरह से खत्म होने दो, चाहे कोई कितना भी अत्याचार करने दो,
कोई बहुत अत्याचार कर रहा है, कोई कितना भी अत्याचार करने दो, बहुत अत्याचार कर रहा है, करने दो, क्योंकि हम अपने वचन से बंधे हुए हैं, अपने संकल्प से बंधे हुए हैं, इसलिए कोई कितना भी अत्याचार करे हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। क्या ये सही है? ये सही बात नहीं है। जो अधर्म का साथ देता है उसको भी अधर्मी माना गया है। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये करुणावश होना, ये थोड़ा यहाँ पे हमको ठीक नहीं लगता है बाह्य दृष्टि से, परंतु क्योंकि अर्जुन सात्विक स्वभाव के व्यक्ति है, उनको अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो थोड़ा आंखों में अश्रु आ गए, घबरा गए, ये सब वाइब्रेशन, पूरे शरीर वाइब्रेट हो रहा है, उनका कंपन हो रहा है शरीर में, तो इस प्रकार से हो रहा है। और अभी इस श्लोक में बताया है कि अश्रु भी आ रहे हैं, उनके अश्रु आ रहे हैं। अश्रु दो प्रकार से आते हैं। जब व्यक्ति बहुत हर्षित होता है, बड़ा एक्साइटेड, बहुत आनंद, बहुत कुछ अचीवमेंट प्राप्त, बहुत कुछ अचीव कर लिया, कोई बहुत बड़ा अपेक्षा थी और वो प्राप्त हो गया, इंडिया को वर्ल्ड कप मिल गया लोग रोते हैं सब, है कि नहीं, देखता है कि भाई अरे वर्ल्ड कप मिल गया और रो रहे हैं। कई बार कुछ बहुत बड़ा करियर बन जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाता है, अवार्ड मिलता है तो लोग रोते हैं, आंखों में अश्रु आते हैं, मिस वर्ल्ड बनती है ना वो भी होती है तो वो रो देते हैं लोग। तो जब जो हर्ष के अश्रु होते हैं ना, ये हर्ष के अश्रु शीतल होते हैं, आप जो अश्रु को स्पर्श करेंगे तो हमको लगेगा ये शीतल है, ठंडे है, तो जो अश्रु है वो ठंडे है। और क्रोध में जब अश्रु आते हैं, कभी कभी व्यक्ति क्रोधित होता है, भयंकर क्रोधित होता है, या कभी कभी बड़ा दुखी भी होता है, विशेषकर क्रोधित, तो तब भी अश्रु आते हैं, दुख में भी अश्रु आते हैं। तो वो जो अश्रु आते हैं आप देखेंगे वो थोड़े से गर्म होते हैं, शीतल नहीं होते हैं, गर्म होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन की आंख में जो अश्रु आ रहे हैं वो क्या है? गर्म है, क्योंकि दुख है, आवेग है, क्रोध है, इस प्रकार से। हर्ष तो बिल्कुल नहीं, आनंद तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है मधुसूदन, संजय भगवान का नाम यहाँ पे ले रहे मधुसूदन। तात्पर्य प्रभुपाद जी मधुसूदन इस शब्द का अर्थ समझाते हैं कि मधुसूदन अर्थात वो कृष्ण, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने मधु नाम के राक्षस को समाप्त कर दिया। हाँ, जिन्होंने क्या किया? मधु नाम के राक्षस को, क्योंकि मधु कौन था? अधर्मी अत्याचारी था, अधर्मी था, अत्याचारी था, ऐसे राक्षस को समाप्त कर दिया। सो अब ऐसे राक्षस को समाप्त कर दिया, ये इस वक्त संजय धृतराष्ट्र को क्यों बताना चाहते हैं? तो संजय धृतराष्ट्र को बोलना चाहते हैं, इस प्रकार के अर्जुन की दशा हो गई कि वो बेचारे बैठ गए, सब कुछ है, लेकिन अब हे धृतराष्ट्र, अब वो बोलने जा रहे हैं। कौन बोलने जा रहे? मधुसूदन बोलने जा रहे हैं। मधुसूदन ने क्यों बोला होगा संजय ने यहाँ पे? कृष्ण भी बोल सकते थे कि अभी कृष्ण बोलने जा रहे हैं, गोविंद बोलने जा रहे हैं, है ना, गिरिधारी बोलने जा रहे हैं, बोले मधुसूदन बोलने जा रहे हैं, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं। भले ही अर्जुन थोड़ा भ्रमित हुआ होगा, मोहित हुआ होगा, अर्जुन के हाथ का बाण, धनुष बाण नीचे गिर गया होगा, अर्जुन एक बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ गए होंगे, अर्जुन आवेग में आ गए होंगे, अर्जुन को सारे अपने लोग दिख रहे होंगे, अर्जुन की आंख में अश्रु आ रहे होंगे, सब हो रहा होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब उनके साथ वो व्यक्ति है जो अधर्मियों को मारता है। कौन है? अर्जुन के साथ वो व्यक्ति वहां पे रथ पे बैठे हुए है, खड़े हुए है, वो कौन है? वो अधर्मियों को तो मार ही देते, जैसे मधु नाम के राक्षस को उन्होंने मार दिया था, वे धृतराष्ट्र अधर्मियों को मारने वाले कृष्ण अब बोलने जा रहे हैं। कहा गया है विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, ये देखकर अब मधुसूदन अर्थात अधर्मियों का नाश करने वाले भगवान अब बोलने जा रहे हैं। इस प्रकार से संजय भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, कब कौन से शब्द का प्रयोग करना है संजय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए संजय यह बात कहते हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अर्जुन की जो दशा है वो दशा
भले ही ऐसे क्यों ना हो, परंतु साथ में कृष्ण है, साथ में कृष्ण है। साथ में कृष्ण क्यों है अर्जुन के? क्योंकि अर्जुन भीतर से अपने अंतकरण से कृष्ण से कनेक्टेड है, अपने अंतकरण से वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आध्यात्मिक स्तर पे अर्जुन कनेक्टेड है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। सो इसलिए हमारे शास्त्र विशेषकर भगवद्गीता हमको स्पिरिचुअल डिटेक्टिव बनने का आग्रह करती है। क्या बनना है हमको? स्पिरिचुअल डिटेक्टिव, आध्यात्मिक डिटेक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में? जासूस, आध्यात्मिक जासूसी करो, दूसरों की नहीं, अपनी स्वयं की। भगवद गीता हमको अपनी स्वयं की जासूसी करने के लिए कहती है, अपने स्वयं की स्पिरिचुअल जासूसी, आध्यात्मिक जासूसी करने के लिए कहती है। बिकम अ स्पिरिचुअल डिटेक्टिव, आध्यात्मिकता का रिसर्च करो अंदर, अपने अंदर बहुत आध्यात्मिकता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक स्पार्क है, स्पिरिचुअल स्पार्क है हमारे अंदर। क्या है स्पिरिचुअल स्पार्क? कौन सा है स्पिरिचुअल स्पार्क? आत्मा। आत्मा मटेरियल थोड़ी है, आत्मा किसी मटेरियल से प्लास्टिक वगैरह से बना है क्या? आत्मा कोई मटेरियल नहीं है, आत्मा क्या है? चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, इसीलिए तो उसको इंग्लिश में स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट से स्पिरिचुअल, आत्मा आदि आत्मा, सो स्पिरिचुअल। सो हमको आध्यात्मिकता का, हमारे अंदर के आध्यात्मिकता का शोध करना है, केवल शोध करना है हमको, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे है, इसलिए शोध करना है। नहीं होता तो थोड़ी ना हमको बोला जाता कि आप आध्यात्मिक बनो। हमारे अंदर यदि ये आध्यात्मिक एलिमेंट नहीं होता, आत्मा नहीं होता, तो इतने सारे शास्त्र हमको थोड़ी ना बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है? आत्मा है, जो कि आध्यात्मिक है, जो भगवान का अंश है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर के आध्यात्मिकता को उजागर करो, उसका शोध करो, उसको उजागर करो, सर्च करो। और यदि हम उसका सर्च कर रहे हैं तो फिर क्या हम एग्जैक्टली कर रहे हैं? हम जो सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के पास यदि हमको आत्मा का ज्ञान हो गया तो फिर दैट इज टॉप मोस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। व्हाट इज टॉप मोस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ? आत्मा, दैट इज ओपन सीक्रेट। आत्मा, आध्यात्मिकता, ये हमारे जीवन का टॉप मोस्ट सीक्रेट है, है ना? क्या हम वो टॉप मोस्ट सीक्रेट को पाना चाहते हैं? बिल्कुल पाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट है, ऑर्डिनरी नहीं है, चिल्लर नहीं है, टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट सीक्रेट को हम पाना चाहते हैं तो वो क्या है? दैट इज सर्च फॉर स्पिरिचुअलिटी। अब वो कहां पे है? कहां पे? हमारे अंदर ही, यहां वहां ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। टॉप मोस्ट जो सर्च है वो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और वो कहां पे है? हमारे अंदर ही। सो हमने कई बार देखा कि ये जो जीवन है ना, लाइफ कम्स इन द फॉर्म ऑफ सो मेनी वेव्स। जीवन के है ना अनंत तरंगे हैं, अनलिमिटेड वेव्स हैं, बहुत सारी तरंगे, बहुत सारी लहरें हैं। लहर समझते ना, वेव्स समुद्र में उठती है ना, क्या कहते हैं उसको? तरंगे कहते हैं ना, लहरें तरंगे। सो ये भौतिक जीवन जो हमारा है, ये जीवन की है ना बहुत सारी, इस जीवन में तरंगे उठती रहती है। भागवतम में कहा गया है प्रत्येक पद में, पदम पदम आपदम, प्रत्येक क्षण पे, प्रत्येक स्टेप पे चैलेंजेस है। इतनी वेव्स है हमारे लाइफ की, इतनी लहरें हैं हमारे लाइफ की। सो अब इन सारी लहरों में हमारा जीवन तो पूरा फिर लहरों से युक्त हो गया, तो इन सारी लहरों में विशेषकर ऐसी लहरें जो हमको
डुबाने का प्रयास करती है ना। लहरें, एक तो लहर आती है ऐसी ऊपर चली जाती है तो वो तो ऊपर लाती है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट उस लहर का क्या होता है, नीचे चला जाता है, डुबाने का प्रयास करता है। तो इस जीवन की जो लहरें है, ये लहरें जब हमको डुबाने का प्रयास करेगी तो फिर उस अवस्था में जब ये जीवन की लहरें हमको डुबाने का प्रयास करेगी, उस अवस्था में मैं अपने आप को संतुष्ट कैसा रखूं, मैं अपने आप को यशस्वी, सुखी, समाधानी, शांतिपूर्वक कैसे अपने जीवन को मैं रखूं जिस समय ये लहर मुझे डुबाने का प्रयास कर रही। जीवन रूपी लहर, बहुत सारी लहरें, कुछ लहरें डुबाने का प्रयास कर रहे। जब डुबाने का डाउन टर्न जब होता है वेव का, जब डुबाने का उसका फोर्स होता है, तब हाउ कैन आई रियलाइज द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। जीवन के उस सुख को, आनंद को, शांति को, संतुष्टि को मैं उस समय कैसे अनुभव कर सकता हूं जिस समय वेव डाउन टर्न लेती है ना, ये प्रश्न है ना। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए व्यक्ति ने चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए। हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, उसका चिंतन करना चाहिए, रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको, है ना। कोई व्यक्ति, हम कहीं गए और वहां पे किसी ने हमको एक सीक्रेट बताया, हाउ टू अर्न 10 crore rupees इन 5 years। क्या बताया, हाउ टू अर्न 10 crore rupees इन 5 years, ऐसा उसने बता दिया। हमने वो सुना, कितने दिन तक चिंतन करते हैं उसका, करते हैं ना, चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे ही घर पे आते 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 रास्ते में रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, चिंतन शुरू हो जाता है। घर पे आते हैं, फिर सोचते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर एप्लीकेशन करते हैं, फिर मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेस, सोचते हैं नहीं है तो जुटाते हैं, है? तो इस प्रकार से भगवद गीता कहो या आध्यात्मिक ज्ञान कहो, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत आवश्यक है। चिंतन मनन बहुत आवश्यक है। चिंतन मनन इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि जब जीवन रूपी लहर हमको डुबाने का प्रयास करती है, तब ये रिफ्लेक्शन हमको बचाता है। ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसके ऊपर हमने चिंतन मनन किया है, वो आध्यात्मिक ज्ञान रूपी चिंतन मनन हमको उस डाउन टर्न में सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो भगवद गीता का ज्ञान है उसका चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अब हमको 1 घंटे में जितना भी कुछ बातें बताई गई है उसका हमको समझ में आए उस भाषा में समझने का प्रयास करना चाहिए, उसका एक आधा पॉइंट लिख लेना चाहिए, अपनी भाषा में लिखना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो वो हमारे अंदर बैठ जाता है, रुक जाता है, और फिर जीवन की लहर है ना डुबाने का प्रयास करती है तो वो हमको स्मरण हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा प्रोटेक्शन होता है, हमारा जीवन सुखी रहता है। ऐसे कहा गया है कि ये जीवन जो है ना, ये जीवन बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है। हमारा मनुष्य जीवन क्या है, एकदम ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। जीवन क्या है, जीवन अर्थात फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह है, सतत ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। हमारा मनुष्य जीवन ऊर्जावान है, सतत ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत ऊर्जा मिलती है मनुष्य को, मनुष्य जीवन में, परंतु कब मिलती है जब हम हमारे अंदर झांकने का प्रयास करें।
कहाँ पे मिलती है वो ऊर्जा डीप इनसाइड अस, वो ऊर्जा हमारे अंतःकरण में है जो जीवन भर हम प्रवाहित रहती है, हमको ऊर्जावान रखती है, हमको उत्साहित रखती है, हमको प्रेरित करती है। वो ऊर्जा कहाँ पे है, ऊर्जा का भंडार कहाँ पे, ऊर्जा का स्रोत कहाँ पे है, हमारे अंदर है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है मुझे पता ही नहीं है क्या समस्या है। बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार मेरे ही पास है, मेरे ही अंदर है, समस्या क्या है मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इनसाइड क्या है, ऊर्जा है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम रोज स्वाध्याय करें। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन। स्वयं का जब अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ऊर्जा है, वो धीरे धीरे रिवील होगी, वो धीरे धीरे हमको उत्साहित रखेगी, हमको पावरफुल रखेगी, हमको प्रेरित रखेगी, मोटिवेटेड रखेगी। अन्यथा ऐसे कितने भी मोटिवेशन के क्लासेस आप कर लो, उसके दो चार दिन बाद सारा मोटिवेशन एनर्जी डाउन हो जाती है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर मोटिवेशन करो, फिर डिमोटिवेट, फिर मोटिवेशन, फिर डिमोटिवेट। सो ये तो चलता ही रहेगा, फिर सुख कैसे मिलेगा, जीवन सुखी कैसे होगा, जीवन आनंदमय कैसे होगा, जीवन आनंदमय नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवद गीता में आगे कहते हैं ना कि दुखालयम अशाश्वतम, कि पूरा संसार ही दुखालय है, इसमें दुख ही दुख आते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, बार बार डिमोटिवेट होते रहते हैं, बार बार उदासीन होते रहते हैं, और फिर कोई हमको मोटिवेट करता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर डिमोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन और डिमोटिवेशन सतत चलते रहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको डीप इनसाइड हमारे अंदर देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए का अर्थ क्या है, चिंतन और मनन करना चाहिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए, कोई विचार नहीं रखना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, जस्ट बैठिए शांत। और यदि विचार आता है तो कोई आध्यात्मिक विचार लाइए, भगवान से कनेक्ट होने का विचार करिए। भगवान क्या है, आप देखिए इतना बड़ा प्रचंड ब्रह्मांड है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, सूर्योदय समय पे हो रहा है, इतना बड़ा जलाशय है, इतना बड़ा समुद्र, कितने समुद्र है संसार में, कितने पर्वत है, क्या क्या, कितना कितना विशाल सब कुछ है। और इतना सब कुछ विशाल है तो इसका बनाने वाला कितना विशाल होगा, विशाल होगा तो उसका हृदय कितना विशाल होगा, उस बनाने वाले का भाव कितना विशाल होगा। तो ऐसे ध्यान करते हुए भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए, वो सुपर एनर्जी से कनेक्ट, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। वो थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो भगवद गीता में हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नोट लिखो, तो कभी कभी जस्ट एक 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार कम से कम 5-10 मिनट भी आपको करेंगे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा चिंतन मनन हो पाएगा आपका, तो चिंतन मनन करना चाहिए। नहीं तो फिर अर्जुन के जैसी अवस्था हो जाती है। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कदापि कि अर्जुन अर्थात एकदम ही अज्ञानी व्यक्ति, नहीं, अर्जुन तो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे आने वाले युगों में हमको ज्ञान मिले, इसलिए अर्जुन ने करके दिखा रही है। ऐसी भी अवस्था होती है, ऐसी भी सिचुएशन आती है, जब समय आता है, जब आपका समय विपरीत हो जाता है, तब आप ही की शक्ति आपका साथ नहीं देती, शक्ति आपके ही पास है, वो आप ही की शक्ति आपका साथ नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि आप ही के शक्ति का आपको विस्मरण हो जाता है, आप भूल जाते हैं, आप ही के वो पॉजिटिविटी को, आप ही के वो स्पिरिचुअलिटी को, आप ही की रियलाइजेशंस को, आप ही के रिफ्लेक्शंस को, चिंतन को, मनन को, स्मरण को, आप सब भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं, जब बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तब जब वो वेव जो है, जो लहर है, जो डाउन टर्न लेती है, तब एग्जैक्टली तभी। तो इसलिए ये आध्यात्मिकता को नित्य हमने रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए, है ना, रोज स्वाध्याय करना चाहिए कि आज मैंने क्या किया। मैंने इसके पहले भी बताया था
जर्नल राइटिंग कहा था मैंने, याद है क्या आपको? किसी ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में कहा था जर्नल लिखना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए। मैं क्या लिखना चाहिए? सुबह से शाम तक मैंने क्या किया वो सब लिखना चाहिए। जैसे रात को 10 बजे 11 बजे मान लो आप सोते हैं, तो लिखना चाहिए रात को 10 बजे आपने क्या किया। और कितना लिखना चाहिए? पूरा ऐसे राइटिंग नहीं करना है, एक वर्ड लिखना है, ओनली वन वर्ड। जैसे 10 बजे मैंने क्या किया, मान लो 10 बजे घूमने के लिए गए तो 10 लिखे वॉकिंग बस, हो गया। 9 बजे क्या किया, लिखो डिनर बस, हो गया। 8 बजे क्या किया, फोन मोबाइल, ब्रैकेट में किसको किया वो भी लिख दो, किसका किया है किसका आया। 8 बजे, 7 बजे मोबाइल कंटिन्यू, 6 बजे मोबाइल कंटिन्यू, तो वो ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखते जाओ किसको, किस उसका नाम लिखते जाओ, क्या किसके साथ बात किया लिखते जाओ। 6 बजे, 5 बजे क्या किया, 4 बजे क्या किया, 3 बजे क्या किया, 2 बजे, 1 बजे, ऐसा करते करते मान लो 5 बजे उठे हो या 6 बजे उठे हो, तो 5 बजे तक, 5 बजे क्या किया, तो नींद में से वेकअप, 5 बजे आया, 5 AM वेकअप, जाग गए 5 बजे, है ना। फिर वो लिखो एक एक पॉइंट में, किससे बात किया, क्या बात किया, कैसे किया, वो सब लिखो। अब इसमें दो पार्ट करो, एक पार्ट है एनर्जी ड्रेनर और दूसरा पार्ट है एनर्जी गेनर। दो पार्ट है, कौन से? एनर्जी ड्रेनर, दूसरा है एनर्जी गेनर। अब उसमें दो पेन यूज करो, रेड और ब्लू। जो एनर्जी ड्रेनर है उसको रेड पेन से मार्क करो, क्या करो? रेड पेन से मार्क करो। किसको? ड्रेनर, ड्रेनर मतलब जो आपकी एनर्जी को खा जाते, ड्रेन आउट कर देते, अर्थात जिसके साथ थोड़ी देरी बात करने के पश्चात थक गए ऐसा लगता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, भयंकर थक गए, ड्रेनर। तो बूस्टिंग तो किसको कहते हैं, जो आपके दिन भर बूस्ट रहते हैं, वो तो 2 मिनट बूस्टिंग होता है, 3 मिनट तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसको नहीं कहते। सो जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा वेस्ट हो रहा है, फिर उसमें हमने एक और फॉर्मूला बताया था, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, आपको याद होगा तो, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। आपको देखना है कि अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। कोई कोई चीजें अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, उसको सेकंड प्रायोरिटी दो। कोई कोई चीजें इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी देनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं, उसको क्या करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट, जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये कैटेगरी जब उसमें लिखोगे तो आपको दिखेगा आपका जो टाइम जो जा रहा है सबसे ज्यादा उसी में जा रहे हैं। किसमें? जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, आप देखो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट था क्या नहीं, अर्जेंट था क्या नहीं। मेरे जीवन का इतना मौल्यवान समय मैंने उसमें गया। अब जो मेरा एक घंटा गया, आज की तारीख 1 तारीख है ना, 1 तारीख का सुबह का 8 से 9 बजे का जो मेरा 1 घंटा था वो तो निकल गया ना। मेरे लाइफ का वो 1 घंटा मुझे फिर से भगवान वापिस नहीं आया, ठीक है तुमने वेस्ट किया क्या, चलो एक घंटा में बढ़ा देता हूँ आपकी लाइफ का, ऐसा होने वाला है? हमारे जीवन का 1 घंटा जितना हम वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्टेज टाइम भगवान हमको उसका सब्सिडी नहीं दे रहे कि ठीक है तुमने वेस्ट किया इतना ले लो, वो तो हमारे लाइफ का कम हो गया उतना। तो इसलिए ड्रेनर और गेनर दो इसमें आपको उसको डिवाइड करना होगा आपके शेड्यूल को। और फिर जो ड्रेनर है उसको रेड करो या क्रॉस करो। दूसरे दिन क्या करोगे? दूसरे दिन क्या करेंगे? रेड को अवॉइड करेंगे। हाँ, अब आपको कल पता चला कि भाई एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, वो समय भगवान मुझे वापस देने वाले नहीं है,
वापिस मिलने वाला नहीं, तो कम हो गया मेरा लाइफ, उतना उतना मेरा जीवन कम हो गया, वापिस मिलने वाला नहीं। तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसको कम करिए, रिड्यूस करिए। अवॉइड तो एकदम नहीं होगा, बट कम करते जाइए, कम करते जाइए। और जो ब्लू जो गेनर है वो फोकस करिए उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना कि वो और कैसे बढ़े, कैसे एनर्जी और बढ़े, वो फोकस करना है। और इस प्रकार से जो आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं, ये एनर्जी गेनर है, यहाँ से एनर्जी मिलती है हमको, तो इसलिए वो करते रहना चाहिए, चिंतन स्मरण ये बातें करती रहनी चाहिए। सो ऐसा जब हम करते हैं तो ये जो अश्रुपूर्ण जो बात हो जाती है, अश्रु आंख में जो आ गए अर्जुन के, हमारे जीवन में भी ऐसे सारे अश्रु आते रहते हैं, हमारे जीवन में भी भयंकर लहरें उठती रहती है, और वो लहरें तो हमको प्राय डुबाई देती है, हमको नर्वसनेस में डिप्रेशन में ले जाती है, हमको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, हमको लगता है सारे लोग झूठे हैं, ऐसा लगता है हमको अपने आप में ही बहुत बड़ा एक प्रकार से कभी कभी इंफीरियरिटी हमको अनुभव होती है। तो ये सारी लहरें हमको डुबाने का प्रयास करती है, परंतु इस प्रकार का एनर्जी सोर्स हमारे पास है, उन लहरों से हम पुनः ऊपर उठ के रहते हैं। तो इस बात से हम, इस श्लोक से हम यही बात समझे हैं कि हमको क्या करना है, ये हमारा जीवन तो वास्तविकता, जीवन तो जो लाइफ इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, आप ये बात समझिए, पक्की दिमाग में रखिए, कौन सी, लाइफ इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही एनर्जी है जीवन में, कहां से मिलती है, हमारे अंतकरण से, हमारे अंतकरण में है। करना क्या है, वहां तक हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, स्वाध्याय करके। स्वाध्याय कैसे करना है, मैंने एकदम सिंपल बात बताई, आगे आगे ये बात कठिन होती जाएगी, मैं आज सिंपल इसलिए बताया कि पहला ही श्लोक है, पहला ही श्लोक का ये अर्थात है, अर्थात फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप चढ़ जाओगे ना तो फिर सेकंड स्टेप भी चढ़ पाओगे, सेकंड स्टेप चढ़ जाओगे ना तो थर्ड स्टेप भी चढ़ जाओगे, थर्ड स्टेप चढ़ जाओगे तो फोर्थ भी चढ़ जाओगे। लेकिन आप फर्स्ट स्टेप नहीं चढ़ोगे और डायरेक्ट फोर्थ स्टेप चढ़ने का प्रयास करोगे तो गिर जाओगे, बराबर कि नहीं, गिर जाओगे ना। तो इसलिए आज फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज ये है कि जर्नल लिखो, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भगवत गीता इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जर्नल लिखो पॉइंट वाइज, कितने 6 बजे से रात को 10 बजे तक का लिखो, 11 बजे यदि आप सोते हैं तो 11 बजे तक का लिखो, जितने बजे सोते उतने बजे से पीछे 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 जाओ, सुबह से रात तक मत करो, रात से सुबह तक करो, 11 बजे 10 बजे लिखो, डिनर गिनर लिखो, फाइंड आउट करो, राइट। ये फर्स्ट स्टेज है, सब लोग सब भक्त अच्छे से करो तो इसमें क्या होगा, भगवान बड़े बड़े सीक्रेट आगे बताएंगे, क्योंकि आगे तो 11वें श्लोक से तो भगवान ही बोलने वाले, 11वें श्लोक से भगवान ही बोलने वाले और बड़े बड़े जीवन के सीक्रेट बताने वाले हैं, जीवन के जो बड़े बड़े रहस्य है वो पूरे सारे रहस्य खोलने वाले हैं। लेकिन समस्या हमारी क्या होती है, हम अप्लाई कुछ नहीं करते, इसलिए इधर से सुनते इधर से छोड़ देते हैं, हमको उसका लाभ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल स्टेज से शुरू किया है, सब लोग जर्नल लिखे, ये फर्स्ट स्टेज है। 8 दिन है हमारे पास, नहीं 15 दिन है, 15 दिन आप इसका भी, इसका ही प्रैक्टिस करो, जर्नल लिखने का। करोगे, कौन कौन करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे, अरे किसी ने तो करेंगे भी नहीं और नहीं भी करेंगे मतलब आता भी ये ये जो क्लास हो रहा है सुन रहे कि नहीं हो रहे क्लास में ही बैठे है ना, कहीं और माइंड गया है, मन कहीं और गया है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मन कहीं और चला जाता है, क्लास में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, इसलिए हाथ ही नहीं उठाते तो करिए ये, देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप इसी चीज को केवल समझने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे ना तो 50,000 रुपया 25,000 रुपया आपसे ले लेगा। ये बात भगवद गीता में भगवान ने फ्री बोल दी है, अब भगवान से बड़ा कोई मोटिवेटर है क्या, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेटर है क्या, अर्जुन की क्या भयंकर दशा हो गई प्रभु, देखो इतनी भयंकर दशा हो गई, कुछ ही समय बाद आप देखें कुछ दिनों बाद अर्जुन सीधा उठते बोलते नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तवा, अर्जुन कहे कृष्ण
मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी जो मेमोरी है मुझे वापिस मिल गई है, अब आप जो बोल रहे हो मैं करूंगा, युद्ध करूंगा, सबको सारे अधर्म का नाश करूंगा। क्या मोटिवेशन है और क्या मोटिवेटर है? कृष्ण। तो कृष्ण से बड़े कोई मोटिवेटर है क्या? जब वो ये सब बोल रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे, है ना? सो आवश्यक करनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि वो करेंगे तो जीवन का जो रहस्य है, जीवन की जो एनर्जी है, जो शक्ति, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। फुल ऊर्जा है, जबरदस्त ऊर्जा है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। सो 5 मिनट में आप ये पूरे क्लास को समराइज करिए, क्या हुआ आज क्लास में, एक लगभग 1.25 घंटा क्लास हुआ, तो समराइज करिए। सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग, तो ये संख्या शब्द से लिया, संख्या यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, ये अध्ययन सेकंड चैप्टर में।